नमस्कार आप सबको। आज बड़े दिनों के बाद ये मन हुआ कि वीडियो के माध्यम से आप तक जाऊं, और उसके पीछे का निमित्त भी बना, कारण भी बना, वो ये कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो, जो हमारे लिए हो सकता है आपके मेरे जीवित रहते तक इसका कोई आपको फायदा नजर ना आए, लेकिन देखते ही देखते 2-4-5-10 सालों में आप हम सब लोग ये देख जाएंगे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, नई जो जनरेशन है, उसके पास खाली हमारा उत्तराखंड कहने के लिए एक शब्द या एक नाम रह जाएगा, उसकी जमीन जा चुकी होगी। डबल वाले ने कमी ना, कोई कमी नहीं है पैसे वालों की। एक मिनट में देश खरीद दें, ऐसे लोग हैं हमारे देश में, और ऐसे लोग हैं जो एक मिनट में उत्तराखंड खरीद लें, और एक मिनट में किसी नेता या किसी बड़े मुख्यमंत्री या किसी को भी खरीद लें, वो पैसे वालों की कमी नहीं है। बात है अभी अपने आप को जगाने की। हम देश की आजादी के वक्त नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक भयंकर आजादी का समय आ गया जिसमें हमने अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता, सब आ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हिमाचल में आदमी जमीन ले सकता है, उन्हीं नियम कानून या उसी तरह के नियमों के तहत उत्तराखंड में भी आदमी जमीन ले, क्यों ना ले, लेना चाहिए, हर आदमी को हक है, वो भारत का कोई भी हो चाहे विदेश का हो, आना चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए कि वो पूरे पहाड़ के पहाड़ खरीद डाले बड़े लोगों की संगत में मिल करके। ये बहुत भयंकर रूप हमारे लिए होने वाला है उत्तराखंड के लिए। मैंने इससे पहले भी कई बार बोला, आवाज भी उठाई, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, उनके दिल की बात थी, मेरे दिल की बात थी, तो वो आगे तक भी गई। हालांकि इसमें एक आध मेरे जिसमें डीएम नाराज हो गए, एक आध सांसद नाराज हो गए, एक कैबिनेट मंत्री लिए नाराज है कि जो पहली कोच की हेमंत धरोहर हो ना हमारी उत्तराखंड की धरोहर, वो तो फोन ना उठा रिया, लेकिन ये ऐसा चलते रहेगा। हमको राजनीति से ऊपर उठ करके, दलगत राजनीति से उठ करके सच में उत्तराखंड की धरती के लिए अगर कुछ करने का वक्त है तो इस कानून का समर्थन करिए, और हमारे बोलने से ही कुछ होगा, क्योंकि हम जब किसी को सांसद बना सकते हैं तो हम ऐसा नियम भी बना सकते हैं, हम किसी को विधायक बना सकते हैं तो हम ऐसा नियम भी ला सकते हैं। जनता अपनी